हेलो बच्चों, आज का टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, इसके बारे में हमने पहले से बता दिया है कि वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, कूलॉम का नियम क्या होता है, आवेश क्या होते हैं, वैद्युत क्षेत्र क्या होता है। थोड़ा सा समझ लीजिएगा, हमने बताया था कि जैसे कोई आवेश है, माने प्लस क्यू आवेश है, तो अपने चारों ओर एक क्षेत्र उत्पन्न कर देता है, और अगर इस क्षेत्र के अंदर कोई एक परीक्षण आवेश लेकर के आया जाए तो उस पर एक बल कार्य करता है। बल और परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति को हमने बताया था वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ठीक है, और इसकी दिशा जो होती है वो प्लस से दूर होती है, माइनस की ओर होती है। आप लोग याद करते हैं प्लस से माइनस की ओर, याद कर सकते हो, लेकिन अच्छा रहेगा आप याद कर ले प्लस से दूर माइनस की ओर। अब हम बात करने जा रहे हैं बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की पहले इसका मतलब समझ लीजिएगा। हमने कहा वैद्युत क्षेत्र के अंदर कोई परीक्षण आवेश लेके आ रहा है, वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न किसने किया होगा? इस बिंदु आवेश ने। तो हमने माना एक आवेश प्लस क्यू है जो बिंदु ओ पर स्थित है, जो ऐसे बोलते हैं वैसे लैंग्वेज बना लिया करिए, भाषा वैसे ही लिख लिया करिए। माना एक बिंदु आवेश प्लस क्यू बिंदु ओ पर स्थित है, और उससे r दूरी पर एक बिंदु P है जहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। तो अब सिंपल सी बात है, यहां पर वैद्युत क्षेत्र निकालना है तो आपको यहां पर कौन लेके आना पड़ेगा? परीक्षण आवेश। तो हमने माना एक परीक्षण आवेश प्लस क्यू जीरो बिंदु P पर स्थित है, तो ये जो आवेश है वो उस पर बल लगाएगा। ठीक है, तो प्लस क्यू के कारण क्यू नॉट पर लगने वाला बल। अच्छा, हम ये मान के चलेंगे कि जो माध्यम है उसका परावर्तन k है, तो उसका बल क्या होगा? F इज इक्वल टू 1/4πε0 k q q0/r2। ये बल कैसा होगा? चूंकि दोनों का नेचर समान है तो इसमें प्रतिकर्षण बल का कार्य करेगा, दूर की तरफ कार्य करेगा, ये बल होगा बल। अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? F अपान क्यू नॉट, इस पर लगने वाला बल और इसके मान की निष्पत्ति। तो P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जब निकालेंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो क्या होगा? E इज इक्वल टू F अपान क्यू नॉट या क्यू जीरो, जो भी आप बोले, इसको क्यू नॉट से भाग कर दो तो क्या आएगा? 1/4πε0 k q/r2। ये आपकी तीव्रता का फॉर्मूला है। अब निर्वात में अगर हम बात करेंगे तो निर्वात में k का मान क्या होता है? 1 होता है, तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/4πε0 q/r2। साफ साफ दिख रहा है कि E प्रोपोर्शनेट 1/r2, यानी ये व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करता है, यानी r बढ़ेगा तो E का मान बहुत भयंकर रूप से घटेगा, क्योंकि r स्क्वायर नीचे लिखा हुआ है। r को 2 करोगे तो 1/4 हो जाएगा, r को 3 करोगे तो 1/9 हो जाएगा। तो व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करता है। तो ये होगा बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब कभी कभी इसका वेक्टर रूप आ जाता है, मान लिया वेक्टर रूप लिखना चाहे, इसको नोट कर लीजिएगा, इसी में आगे बढ़ाएंगे। वेक्टर रूप, इसका सदिश रूप क्या होगा? सदिश रूप हमने बताया था इसके पहले के वीडियो में, आप देखेंगे, सुन लिंक हम दे देंगे, उसको देख लीजिएगा, कि जब किसी को आप वेक्टर के रूप में लिखना चाहते हैं तो जिस दिशा में वो कार्य कर रहा है उस दिशा के इकाई सदिश से मल्टीप्लाई कर दो। देखिए ध्यान से, वैद्युत क्षेत्र प्लस से दूर की ओर इधर की तरफ है, तो इधर की तरफ मैंने इकाई सदिश क्या मान लिया? आर कैप। तो जब हम वेक्टर की फॉर्म में लिखेंगे ई, तो हमने फॉर्मूला पढ़ा है 1/4πε0 q/r2, इसको आर कैप से मल्टीप्लाई कर दो तो ये वेक्टर बन जाएगा। इसकी दिशा क्या होगी? प्लस से दूर माइनस की ओर। ठीक है, तो ये हो गया आपका बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब जरा देखिए, कभी कभी ये क्या करते हैं,
कि दूरी और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बीच ग्राफ खींचते थे। ग्राफ दे देते हैं और कहते बताइए। तो देखिए एक नोट करके लिख लीजिएगा, जरा समझिएगा। पहला, अगर मैं ई और 1/r² के बीच ग्राफ खींचता हूं, के बीच ग्राफ, ठीक है, 1/r² है, यानी ये वैल्यू पूरी हम ले रहे हैं, ठीक है। तो जब इसको हम लिखाएंगे इस प्रकार से, तो ये आपका ऐसे चलेगा, ये e है और ये 1/r² है, ये पूरी वैल्यू हम ले रहे हैं, ठीक है। और अगर हम लिखेंगे e और r स्क्वायर के बीच ग्राफ, या e और r के बीच ग्राफ, ये e है और ये r है, अब तब तो देखिए आपका e का फॉर्मूला क्या है, e प्रोपोर्शनेट 1/r², तो सिंपल सी बात है भाई, इसमें अगर 1/r² बढ़ता है तो ये बढ़ेगा, पूरी की बात हो रही है इसमें। यहां देखो अगर r को जीरो रख दे शुरुआत में तो e इनफाइनाइट हो जाएगा, e अनंत हो जाएगा, अगर r को अनंत कर दे तो e जीरो हो जाएगा, तो ग्राफ कैसे बनेगा, r जीरो तो e अनंत, तो यहां से स्टार्ट करेंगे और ऐसे ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। तो कभी कभी ये ग्राफ दे देते हैं और कहते हैं बताओ इसमें सही कौन है, बहुत कंफ्यूजन का है, ई और आर और ई और 1/r² के बीच ग्राफ। तो ये तो हो गया, एक आवेश रखा हमने उसकी वजह से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब जरा समझिएगा, अगर हमने दो आवेश ले लिए, मान लिया हमने इस प्रकार से एक प्लस क्यू आवेश लिया और एक माइनस क्यू लिया, प्लस क्यू यहां रख दिया, माइनस क्यू यहां रख दिया, इसको वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव, नाम से लग रहा है दो ध्रुव इसमें होंगे, वैद्युत द्विध्रुव। क्या होता है, जब दो बराबर परंतु विपरीत आवेश बहुत सूक्ष्म दूरी पर रख दिए जाते हैं तो जो निकाय बनता है, जो सिस्टम बनता है, उसको वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। जैसे हमने यहां पर माइनस क्यू आवेश और प्लस क्यू आवेश बहुत सूक्ष्म दूरी पर रखा, हमने उस दूरी को क्या माना, 12। अब आप कहेंगे साहब ये बताओ भाई ये तो बहुत सूक्ष्म बता रहे हैं तो 12 क्यों मान रहे हैं, आप एल मानिए, उसका कारण मैं बताऊंगा आगे। तो ये वैद्युत द्विध्रुव होता है। अब वैद्युत द्विध्रुव का एक नेचर होता है, अगर इस पूरे ये पूरा सिस्टम एक साथ चलेगा, प्लस अलग माइनस अलग नहीं चलेगा, ये यहां बंधे हुए हैं, या प्लस क्यू बंधा है इसको माइनस क्यू बांध के इसको हम लेके चल रहे हैं, पूरा डंबल जैसे डब्लू होता है वैसे लेके चल रहे हैं इसको, अगर इसको वैद्युत क्षेत्र में आप रख दें तो वैद्युत क्षेत्र में घूमने का प्रयास करेगा ना, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में ये हो जाएगा, अपने आप को रोटेट करेगा। तो जहां पर रोटेशन होता है, जहां घूमने का एक प्रयास होता है, उसको कहते हैं आघूर्ण, ठीक है भाई, आपने पढ़ा होगा एक बल और एक आघूर्ण। बल का मतलब होता है किसी को धक्का मार के सीधे आगे बढ़ा दो, वो बल होता है, अगर किसी को धक्का मार के घुमा दो ऐसे रोटेट कर दो तो उसको हम आघूर्ण कहते हैं, ठीक है। तो एक होता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत राइटिंग उसे बनाने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा गंदी राइटिंग है समझ लीजिएगा, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, कोई एक आवेश और इनके बीच की दूरी का जो गुणनफल होता है उसको वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पी कहते हैं, और इसकी दिशा जो होती है इसको बहुत ध्यान से समझिएगा, इसकी दिशा हमेशा माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर होती है, किसकी, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, मतलब जो 2QL है, 2QL इसको क्या लिखेंगे, 2QL, इसकी दिशा माइनस क्यू से प्लस क्यू होता है। इसलिए आपने देखा होगा बुक में जहां भी वैद्युत द्विध्रुव बना होता है वहां इधर माइनस इधर प्लस रखते हैं, क्योंकि जो P की दिशा होती है वो ऐसे लिखी जाती है। अब मान लिया कहीं पर उन्होंने कोई ऐसा क्वेश्चन दे दिया कि यहां माइनस क्यू कर दिया, यहां प्लस क्यू कर दिया, तो ये समझ लीजिए इसकी दिशा भी ऐसे हो जाएगी, भाई बहुत आगे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, क्योंकि जहां पर हम सदिश की बात करेंगे वहां ये दिक्कत करेगा, ठीक है। तो ये वैद्युत द्विध्रुव हो गया। अब यहां दो आवेश हैं, एक प्लस क्यू एक माइनस क्यू, दोनों भौकाली हैं, दोनों का अपना अपना कमाल है, दोनों वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करते हैं, तो दोनों कितना और कहां पर कितना वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करते हैं उसकी हम बात करने जा रहे हैं। वैद्युत द्विध्रुव के कारण, द्विध्रुव का मतलब दोनों आवेश कहीं पर जो प्रभाव उत्पन्न करेंगे, भाई कोई परीक्षण आवेश यहां पर रखोगे तो ये भी बल लगाएगा, ये भी बल लगाएगा, इन दोनों का नेचर अलग अलग है, तो कोई ये अगर मान लिया प्रतिकर्षित करता है तो आकर्षित करेगा, तो उसकी वजह से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी उसके बारे में देखिए। वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अगला टॉपिक है वैद्युत द्विध्रुव के कारण
वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने जा रहे हैं। ये हेडिंग डाल दीजिएगा, रब करेंगे दूसरी हेडिंग पड़ेगी। अब पहली स्थिति आप हम लेके चल रहे हैं, इसको कहते हैं अक्षीय स्थिति, या दूसरा इसका नाम है अनुदैर्ध्य स्थिति। पहला है अक्षीय स्थिति, अक्षीय स्थिति, या दूसरा नाम इसका है अनुदैर्ध्य स्थिति, अनुदैर्ध्य स्थिति। ठीक है, इसको कहते हैं एक्सियल पोजीशन, एक्सियल पोजीशन। इंग्लिश में जानबूझ के लिख रहे हैं। अब जरा समझिएगा कैसे इसकी वैल्यू निकालते हैं। देखो सुनो, फिर ये हेडिंग हेडिंग रख कर रहे हैं। देखिए, हमने माना एक द्विध्रुव एबी, जो हम बोल रहे हैं वही लिखिएगा, एक द्विध्रुव एबी माइनस क्यू और प्लस क्यू से बना है, ठीक है, और इसके बीच की दूरी 2L है, तो ये L और L हो जाएगी, ये मिडिल पॉइंट है और ये इसका अक्ष, ये इसका अक्ष, इसके अक्ष पर इस प्रकार से इसका अक्ष बना लीजिएगा, इसके अक्ष पर इसके मध्य बिंदु से R दूरी पर ये प्लस क्यू नीचे लिख दो, यहां प्लस क्यू कर दो, यहां माइनस क्यू, जिससे ऊपर ये भी रहेगा। R दूरी पर एक बिंदु P है जहां पर वैद्युत क्षेत्र की गणना करनी, ये P बिंदु है, इसको द्विध्रुव आघूर्ण मत समझिएगा, जहां पर वैद्युत क्षेत्र की हमको गणना करनी है। ठीक है, समझिएगा, पहले तो लिखेंगे माना ये भी एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसके बीच की दूरी 2L है, उसके उसके अक्ष पर उसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है जहां पर वैद्युत क्षेत्र की गणना करनी है, और माना माध्यम का परावर्तितांक है, ये मान लेते हैं माध्यम कुछ हो सकता है। तो सबसे लिखेंगे, सबसे पहले होगा प्लस क्यू के कारण पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 बराबर, अब ये फॉर्मूला प्रूफ कर चुके हैं, 1/4πε0Q/R², तो 1/4πε0K, क्योंकि हमने माध्यम मान रखा है, Q अपान, अब जरा देखिए यहां से दूरी लेनी है B और P, तो ये BP का स्क्वायर होगा, इसकी दिशा क्या होती है प्लस से दूर, तो E1 क्या होगा प्लस, अब देखिए अभी हमने कहा था प्लस से माइनस आप याद करते हैं, अब बताइए ये बिंदु मेरे पास है, ये प्लस है ये माइनस है, अब दिखा दो प्लस से माइनस क्यों, नहीं दिखा सकते आप, तो कैसे याद करेंगे प्लस से दूर, तो यहां पर प्लस से दूर है E1, इसका मान रखो 1/4π, यहां लिखने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी डायग्राम में शो कर दिया हमने, 4πε0KQ/, देखो यहां मध्य बिंदु से दूरी आपने क्या मानी है R, उसमें से इतना हटा दो तो हो जाएगा R-L² ये हो गया E1 प्लस क्यू के कारण। ठीक है, अब माइनस क्यू भी तो अपना प्रभाव डालेगा, तो माइनस क्यू के कारण, माइनस क्यू के कारण पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 बराबर 1/4πε0KQ/, अब माइनस यहां पर रखा हुआ है तो आपको A से P की दूरी लेनी पड़ेगी, यानी AP² तो आएगा 1/4πε0KQ/, ये दूरी क्या होगी, यहां से यहां तक R है और ये एक्स्ट्रा L है, तो R+L² दिशा क्या होगी माइनस की ओर, यानी माइनस की ओर। अब जरा देखिए E1 उधर की तरफ है, E2 इधर की तरफ है, दो बलिव है, एक तरीके से अपोजिट खींच रहे हैं, तो जब हम रिजल्टेंट फोर्स निकालेंगे परिणामी, तो या तो E1 माइनस E2 करेंगे या E2 माइनस E1 करेंगे, अब क्या करें भाई, जिसका मान बड़ा होगा, दो तरीके से आप समझ सकते हैं, E1 में जो हर है वो छोटा है तो E1 बड़ा हो जाएगा, E2 में हर बड़ा है वो छोटा हो जाएगा। दूसरा तरीका देखिए, प्लस क्यू पी के नजदीक है तो इसका जो प्रभाव होगा वो ज्यादा होगा, इसका प्रभाव ज्यादा होगा, इसका प्रभाव कम होगा, तो E1 का मान बड़ा होगा। तो जब P पर हम परिणामी तीव्रता निकालेंगे, P पर परिणामी तीव्रता, ये नोट कर लीजिएगा,
केवल सुनिएगा नहीं, नोट करिएगा। तो कहते हैं प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट एंड राइटिंग मेक्स अ मैन एग्जैक्ट, लिखने से एग्जैक्ट हो जाता है। ठीक है, तो जब निकालेंगे पी पर परिणामी तीव्रता ई बराबर, तो आएगा ई वन माइनस ई टू। ई वन का मान क्या है, वन अपान फोर पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपान आर माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस वन अपान फोर पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपान आर प्लस एल का होल स्क्वायर। अब दिख रहा है आपको इसमें क्यू अपान फोर पाई एप्सिलॉन नॉट के कॉमन है, यहां क्या बचेगा, यहां बचेगा वन अपान आर माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस वन अपान आर प्लस एल का होल स्क्वायर। अब डायग्राम नोट कर दें, डायग्राम बना चुके हैं आप पहले से, अभी रात में बात समझाते हैं इसको। तो E बराबर आएगा Q अपान फोर पाई एप्सिलॉन नॉट K, देखो ये हो गया आपका एलसीएम, एक मिनट वो नीचे से लिखे। तो E बराबर आएगा Q अपान फोर पाई एप्सिलॉन नॉट K, देखिए यहां पर एलसीएम क्या हो जाएगा, R माइनस एल का होल स्क्वायर इंटू आर प्लस एल का होल स्क्वायर। तो ये यहां पर इंटू होगा, ये यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आएगा R प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस R माइनस एल का होल स्क्वायर। अब इसको खोल दीजिए उठाकर के, Q अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट K, इसका होल स्क्वायर खोलेंगे, इसका होल स्क्वायर खोलेंगे और माइनस को अंदर ले जाएंगे तो साइन बदल जाएगा, तो आएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस टू एल आर, या आएगा प्लस आर स्क्वायर माइनस अंदर जा रहा है तो माइनस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस टू एल आर अपान। देखो ये आर माइनस एल है, ये आर प्लस एल है, ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर होल पावर टू कर दीजिए। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कट गया, तो आ गया क्यू अपान फोर पाई एप्सिलॉन नॉट के, यह आएगा फोर एल आर अपान आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब यहां पर फिजिक्स की एक बहुत ही असामाजिक प्रत्यय जिसका हम कहेंगे, जब बहुत छोटी चीज बहुत बड़ी चीज के साथ आ जाती है तो उसको ये नेग्लेक्ट कर देते हैं, यानी किसी आईएएस की जहां शादी और कोई छोटा आदमी जाए तो उसको कोई ध्यान नहीं देते, वही समझिए यहां पर। आप कहेंगे चूंकि एल का मान आर की तुलना में बहुत कम है, भाई पहले से आप मान के चलते हैं कि दो आवेद बहुत सूक्ष्म दूरी पर रखे हों, दूरी आपने मानी 2L, 2L भी 2L का आधा L हो गया, उसका भी स्क्वायर, और बहुत छोटी वैल्यू का स्क्वायर कर देते हो तो और छोटी वैल्यू हो जाती है, 1/4 हो जाता है। तो अतः L स्क्वायर को छोड़ने पर, यह बड़ा गड़बड़ फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है लेकिन अब मजबूरी है। ई बराबर वन अपान क्यू अपान लिखिए, क्यू अपान फोर पाई एप्सिलॉन नॉट के, ये फोर एल आर, आपने एल स्क्वायर हटा दिया है तो आर पावर फोर हो जाएगा। अब जरा समझिएगा, एक आर इससे कट जाएगा, ये क्यू इंटू फोर एल है, तो हमने ई बराबर लिखा वन अपान फोर पाई एप्सिलॉन नॉट के। देखो ये जो 4 एलआर, एक आर कट चुका है तो नीचे तो आर क्यूब हो गया, ये हो जाएगा 2 इंटू 2 क्यूएल, और 2 क्यूएल की वैल्यू क्या होती है अभी हम बता चुके हैं पी, तो आएगा 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 2 पी अपान आर क्यूब ई, जहां पी क्या है 2 क्यूएल, इसको क्या कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, निर्वात में के का मान क्या होता है, 1 होता है, तो निर्वात में इसको के रख दीजिएगा, निर्वात में के का मान क्या होता है, 1 होता है, तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 पी अपान आर क्यूब।
जब इसका वेक्टर रूप लिखेंगे, देखिए अब जरा डायग्राम जो हमने रब कर दिया था उसको ध्यान से समझिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा। देखिए हमने यहां पर एक माइनस क्यू लिया था, ये प्लस क्यू लिया था, ठीक है, ये एल था, ये एल था, तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा क्या होती है, माइनस से प्लस की ओर, है ना। और यहां पर आपने जो वैद्युत क्षेत्र लिखा है, ये लिखा है आपने E1, ये लिखा है आपने E2, और रिजल्टेंट भी इधर है जो प्रणाली तीव्रता है, तो प्रणाली तीव्रता की दिशा किधर की ओर है, पी की तरफ है, तो इसका मतलब जो पी की दिशा है वही ई की दिशा है। तो जब वेक्टर रूप में लिखेंगे आप, वेक्टर रूप में तो यही चीज आप दोबारा लिख देंगे, बिल्कुल नीचे लिख देंगे, और इसमें क्या करेंगे, पी पर वेक्टर चढ़ा देंगे और यही ई के बराबर हो जाएगा, ठीक है। ये एक्सियल पोजिशन है, तो आगे हम चल के हम ये यूज करेंगे ई एक्सियल, तो ये ध्यान रखिएगा ये लिखेंगे, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसके बाद आता है निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। दूसरा है निरक्षीय स्थिति, या जिसको अनुप्रस्थ स्थिति कहते हैं, निरक्षीय स्थिति, या दूसरा कहते हैं आप अनुप्रस्थ स्थिति। अनुप्रस्थ स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। पहले इस स्थिति का मतलब समझिएगा, इसको इक्वेटोरियल पॉइंट कहा जाता है, इक्वेटोरियल पॉइंट, क्योंकि इसका हम नाम लिखेंगे बाद में, इसलिए हम लिख रहे हैं, ठीक है, पॉइंट, POINT, रेटिकुलर। देखिए क्या होती है अच्छी स्थिति, कहते हैं मान लिया, सेटिंग को रद्दी कर दीजिए, नोट कर लीजिएगा, बोर्ड थोड़ा छोटा है तो उसी में लिखना पड़ता है। देखिए हमने कहा ये दो आवेश हैं, एक प्लस क्यू है, एक माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू, जानबूझ के माइनस इधर लिखते हैं, प्लस इधर लिखते हैं, ऐसा नहीं उधर माइनस नहीं लिख सकते, अभी हम बताएंगे क्यों नहीं लिखते हैं और क्यों लिख सकते हैं। और ये ए बी है, ठीक है, ये इसका मध्य बिंदु है, ये एल है, ये एल है, ये आधा एल है, आधा एल है, इसके लंबार्धक पे r दूरी पर एक बिंदु P है जहां वैद्युत क्षेत्र की गणना करनी है, और मान लेते हैं कि माध्यम का परावैद्युतांक है, ठीक है, तो प्लस Q के कारण P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 बराबर 1/4πε0 के क्यू अपान, जरा देखिए प्लस क्यू कहां रखा है, यहां पर, यहां से इसकी दूरी क्या है, ये, तो दूरी तो आप लिखेंगे Vp2, दिशा क्या होगी, प्लस से दूर की तरफ, यानी ये वाली दिशा आप लिखेंगे, यही तो आएगा, ठीक है। इसकी दूरी कितनी होगी भाई, इसमें पाइथागोरस लगा दो, √r² + l² से क्या होगा, 1/4πε0 के क्यू अपान, जब इसका स्क्वायर करोगे तो आएगा √r² + l², दिशा हम ऑलरेडी यहां दिखा चुके हैं, ठीक। अब बात करते हैं माइनस क्यू के कारण पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 बराबर 1/4πε0 के क्यू अपान, ये दूरी लिखेंगे, यहां माइनस है, एपी ही लिखेंगे, ये आर है, ये एल है, ये भी यही आएगा, √r² + l², तो ये हो जाएगा AP² और जब इसका मान रखोगे क्या आएगा, 1/4πε0 के √r² + l², दिशा क्या होगी, माइनस की ओर। अब बताइए यहां पर अगर आप प्लस से माइनस याद करो, ये प्लस है, ये माइनस है, निकालो जरा प्लस से माइनस की तरफ, तो प्लस से दूर माइनस की ओर, ये E2 हो गया। अब इसका परिणामी तीव्रता कैसे निकालते हैं, थोड़ा ये टेक्निकल चीज है, ये नोट कर लीजिएगा। देखो ये समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है, तो यानी कि ये दो भुजाएं बराबर हैं, तो इसके सामने का कोण बराबर होगा, और ये बहिष्कोण है, ये 2θ होगा, पहली बात। तो अगर E1 E2 के बीच एंगल 2θ होगा, तो एक तो फार्मूला हो सकता है √E1² + E2² + 2E1E2 cos 2θ, आपको याद होगा वेक्टर में आपने फॉर्मूला पढ़ा है,
मैं वो नहीं अप्लाई कर रहा हूं, उसमें कैलकुलेशन लेंदी हो जाएगा। अब समझिएगा, ईवन ई टू का मान समान है, ये टू थीटा एंगल है, तो ईवन ई टू का जो परिणामी होगा बिल्कुल इसके बीच से ओवर गुजरेगा, ये परिणामी होगा, तो ये एंगल थीटा होगा, तो ये एंगल भी थीटा होगा। ठीक, अब यहां पर घटक वाले फॉर्मूले से लगा दो, देखिए ये ईवन है, ये ई टू है, और ये इसके बीच से ई निकला है, ये थीटा है और ये थीटा है। देखो ईवन का थीटा से लगा हुआ जो घटक होता है वो होता है ईवन कॉस थीटा, ये आपने पढ़ा, थीटा से लगा हुआ घटक, क्षैतिज और ऊर्ध्व ना याद करिए, थीटा से लगा हुआ घटक कॉस होता है और उसके लंबवत साइन होता है, इसके लंबवत क्या होगा ईवन साइन थीटा, ई टू का जो थीटा से लगा हुआ घटक है ई टू कॉस थीटा और लंब घटक क्या होगा ई टू साइन थीटा। ईवन ई टू का मान समान है तो ये दोनों वैल्यू कैसी हो जाएंगी, समान हो जाएंगी, तो दोनों अपोजिट हैं तो इनका प्रभाव तो खत्म हो गया, ये दोनों की दिशा समान है, तो जब हम पी पर परिणामी तीव्रता निकालेंगे, पी पर परिणामी तीव्रता निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, ई बराबर ईवन कॉस थीटा प्लस ई टू कॉस थीटा, ईवन कॉस थीटा प्लस ई टू कॉस थीटा, क्योंकि ईवन ई टू का मान समान है तो हम रखने के बाद कॉमन ले ले रहे हैं, वन अपान फोर पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, हमने कॉमन ले लिया है तो अंदर क्या बचेगा कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर टू कॉस थीटा। अब यहां से कॉस थीटा का मान रख दो तो आएगा वन अपान फोर पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू टू कॉस थीटा, क्या होगा आधार बटे कर्ण, तो आधार हो गया एल और कर्ण हो गया अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये दोनों समान है, इसकी पावर वन है और इसकी पावर हाफ है, अंडर रूट का मतलब वन बाई टू पढ़ा होगा आपने, दोनों गुणे में है तो पावर जुड़ जाएंगी, तो आएगा वन अपान फोर पाई एप्सिलॉन नॉट के टू की वैल्यू ऊपर हो गया, नीचे देखिए क्या होगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर थ्री बाई टू, फिर वही बात छोटे सा फंस गए आर स्क्वायर के साथ में, तो जैसे वो फंसते हैं तो उनकी वैल्यू क्या हो जाती है नगण्य हो जाती है, फिर वही यहां लिखेंगे चूंकि एस चूंकि एल इज लेस, देखो ये छोटा साइन होता है, ये जिधर की ओर इसका मुंह होता है वो बड़ा होता है, ये ध्यान रखिएगा क्योंकि ग्रेटर और लेस में हिंदी मीडियम वालों को बड़ी दिक्कत होती है, ये जिधर मुंह होता है उधर वो बड़ा होता है, ध्यान रखिएगा, तो यहां किधर मुंह है आर की तरफ है तो आर बड़ा है, अतः एल स्क्वायर को छोड़ने पर ये बेचारा बड़ा पूरे कैलकुलेशन में साथ रहता बाद में कैसे छोड़ दीजिए इसको, तो ये क्या हो जाएगा ई बराबर वन अपान फोर पाई एप्सिलॉन नॉट के, ये तो पी लिखा हुआ है तो पी अपान आर एल स्क्वायर तो छोड़ दिया आर स्क्वायर की पावर थ्री बाई टू, जब आर स्क्वायर की पावर थ्री बाई टू करोगे तो पावर पावर का गुणा हो जाएगा थ्री थ्री कट जाएगा तो क्या बचेगा आर क्यू, तो ये आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकली। अब निर्वात में क्या होता है के बराबर वन होता है तो आप लिखेंगे निर्वात में के बराबर वन, अतः जो हम बोलते जा रहे हैं बिल्कुल लैंग्वेज लगभग आप लगा सकते हैं ई बराबर वन अपान फोर पाई एप्सिलॉन नॉट पी अपान आर क्यू। ठीक है, अगर हम इसका वेक्टर रूप लिखना चाहें तो जरा वेक्टर समझिएगा, यहां वेक्टर क्वांटिटी कौन कौन सी है, एक तो पी है, पी का मान क्या होता है प्लस से, ये वाला पी नहीं भाई तो बिंदु है, पी का मान क्या होता है माइनस से प्लस की ओर। देखिए जब वेक्टर रूप लिखेंगे इसका सदिश रूप लिखेंगे, सदिश रूप ई बराबर वन अपान फोर पाई एप्सिलॉन नॉट पी अपान आर क्यू, देखिए ध्यान से पी की दिशा इधर की तरफ है और बिल्कुल इसके समांतर ई की दिशा इधर की तरफ है, तो जब दो समांतर वेक्टर होते हैं और अपोजिट होते हैं, अगर मान लिया एक वेक्टर ये ए हो जाए और एक वेक्टर ये बी हो जाए, दोनों समांतर हैं लेकिन दिशा एक जैसी नहीं है, तो आपने पढ़ा है इलेवेंथ में ए बराबर माइनस बी, तो यहां पर ई और पी वेक्टर होंगे लेकिन यहां साइन लग जाएगा माइनस का, ये वेक्टर रूप में होगा। ठीक है, ये इक्वेटोरियल पोजिशन है इसलिए इसको आप ये जो वैल्यू लिखी है आपने ये वाली ई इक्वेटोरियल, ई इक्वेटोरियल इज इक्वल टू वन अपान फोर पाई एप्सिलॉन नॉट पी अपान आर क्यू, ये नोट करिए। ठीक है, तो ये आपका ये हो गया, अब जरा समझिएगा थोड़ा सा और एक नोट देखिएगा,
अभी आपने कहा E की वैल्यू एक्सियल पोजीशन पे क्या थी, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 पी अपॉन आर क्यू, और E का मान इक्वेटोरियल में क्या था, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी अपॉन आर क्यू। क्या आपने देखा ये मान इसका डबल है, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो एक्सियल पोजीशन में इसकी वैल्यू होती है कि वो इक्वेटोरियल पोजीशन की E इक्वेटोरियल में डबल होती है। अब अनुप्रस्थ अनु बना सकते हैं, वो वाला की बात है, समझ आ गई बात। तो ये वैद्युत क्षेत्र हो गया। एक टॉपिक और बचा है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वो नेक्स्ट में हम देखेंगे, इसके बाद न्यूमेरिकल को डिस्कस करेंगे, तो इसको कर लीजिएगा। ओके।